आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस का जो वर्ग है वो बैकबोन है, वही उसी की वजह से देश आगे निकलता है, उसी की वजह से किसी न किसी रूप में आपकी पहचान होती है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर कहीं भीड़ में खड़े हो जाए तो लोग पहचानते नहीं। तो पहचान आपकी आर्ट एंड कल्चर से हुआ करती है क्योंकि आप आपके जड़ से जुड़े हुए हैं। कि आप सदैव साथ दिया करें आर्टिस्ट लोगों का, और किसी न किसी रूप में यथाकथा कैसे ही आप जैसे चाहे आप यथा योग्य, क्योंकि देशकाल परिस्थितियों के साथ साथ आपके भी अपना बिजनेस जो है वो अलग अलग रूप धारण करता है, परंतु हम सब जुड़े रहें और आगे निकले। मैं बहुत समय पहले यहाँ पे आया था और यहाँ पे कांतिपुर में कहीं एक इंटरव्यू चल रहा था, तो मैं यहाँ से कह के गया था कि मैं चाह रहा हूँ कि नेपाल पूरे विश्व से जुड़े और यहाँ पे बहुत सारे लोग समझे, जैसे 5,000 व्यक्तियों को एक साथ कहीं पे एक कंट्री में जॉब मिल गया हो और कहीं 20-22,000 लोगों के जॉब मिल गया हो और कहीं ऐसे करते करते कई लाख लोगों के आगे निकलते हैं। तो वो बच्चे जो आगे निकलते हैं वो मुझे जो जिसे मैं कह रहा था वो कह रहे थे गोविंद अब लाइक टू टेक सम शेयर। ऐसे नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब जवान बच्चे आगे निकल रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। उसका मुझे ये श्रेय तो मिला, मैं कहीं जाता हूँ नेपाल का एक तो व्यक्ति वहाँ से आ जाता, कहता है जीजू कैसे हो।